चलिए बच्चों अब देखते हैं टॉपिक 3.8 पॉइंट एट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी देखिए हमने आगे भी बात की थी कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर के बदलने से रजिस्टिविटी बदलती है अब एक लिमिटेड रेंज के लिए यानी कि टेम्परेचर की एक लिमिटेड रेंज के लिए मेटेलिक कंडक्टर की रजिस्टिविटी किस तरह से बदलती है इसको हम एक इक्वेशन से बता सकते हैं देखिए ये इक्वेशन इम्पेरिकल इक्वेशन है यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ इक्वेशन है और याद रहे कि ये इक्वेशन किसी भी टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल नहीं है मैंने पहले कहा कि ये इक्वेशन एक लिमिटेड रेंज के टेम्परेचर के लिए अवेलेबल है उसके लिए सही है तो ये इक्वेशन इस तरह से रो टी इजकल टू रो ज़ीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी हम बात करेंगे रो टी इजकल टू रो जीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो देखिए यहाँ पे जो रो टी है ये टी टेम्परेचर पे मेटेलिक कंडक्टर की रजिस्टिविटी है फिर रो ज़ीरो किसी रेफरेंस टेम्परेचर के लिए मेटेलिक कंडक्टर की रजिस्टिविटी है याद रहे कि ये कोई रेफरेंस टेम्परेचर के लिए रजिस्टिविटी है ऐसा नहीं कि जीरो कैलविन के लिए ही है ये कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर हो सकता है और अल्फा जो है अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोऑफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी ये हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और इवन कुछ मटेरियल के लिए पॉजिटिव होता है कुछ के लिए नेगेटिव भी होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ये टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है और टी जीरो वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये रेफरेंस रेजिस्टिविटी आपको दी है यानी कि ये रेफरेंस टेम्परेचर ही है तो इन शॉर्ट टी जीरो टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी रो जीरो और टी टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी जो कि आपको फाइंड करनी है रो टी और अल्फा है ये एक कॉफिशेंट है एक तरह का कॉन्स्टेंट है जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और इसको कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी में ये सारा लिख लेता हूं चलिए ये रही सारी फिजिकल क्वांटिटीज टी जीरो यानी कि रेफरेंस टेम्परेचर रो जीरो रजिस्टिविटी एट टी जीरो टेम्परेचर टी यानी कि गिवन टेम्परेचर जिसपे आपको रजिस्टिविटी फाइंड करनी है रो टी यानी कि रजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर एंड अल्फा इज कोफिशंट ऑफ रजिस्टिविटी जो कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है अब रजिस्टिविटी के लिए ज़रा ये टेबल देखिए देखिए ये है सारे डिफरेंट मटेरियल्स पहले यहाँ पे कंडक्टर्स दिए हैं फिर सेमीकंडक्टर्स और फिर इंसुलेटर्स दिए हैं इसमें ये जो राइट right साइड है इसमें अल्फा की वैल्यू दी गई है यानी कि कॉफिशंट ऑफ रजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यह है कॉफिशंट ऑफ रजिस्टिविटी अल्फा और इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या तो फिर कैलविन इनवर्स होता है और ये जो अल्फ़ा की वैल्यूज दी गई है वो जीरो डिग्री सेल्सियस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर बदलेगा तो इसके मुताबिक ये अल्फा की वैल्यूज भी थोड़ी बहुत बदलती है अब यहां पे सभी की अल्फा की वैल्यूज देखिए देखिए सबसे पहले ये कंडक्टर्स देखिए कंडक्टर्स में सभी की अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है राइट right? सभी के अल्फा यानी कि कोफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी पॉजिटिव है सेमी कंडक्टर्स देखिए सेमी कंडक्टर में आप देख पा रहे हो कि सभी के अल्फ़ा नेगेटिव है और इंसुलेटर देखिए तो इंसुलेटर में अल्फा की वैल्यू दी नहीं है इसका मतलब ये जीरो है ठीक है कंडक्टर्स के अल्फा पॉजिटिव है सेमीकंडक्टर के अल्फा नेगेटिव है और इंसुलेटर के जीरो है अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब निकलता है जो कि आपको समझ में आएगा इस इक्वेशन में अब देखिए इस इक्वेशन में ये जो अल्फा है अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा सोचिए आप ये वन प्लस समथिंग आएगा राइट अगर ये पॉजिटिव अल्फा तो ये वन प्लस समथिंग आएगा यानी कि ये रो यह आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रो रोजीरो प्लस समथिंग आएगा यानी कि रो टी रो जीरो से ज्यादा होगा यानी कि टी टेम्परेचर पे जो रेस्टिविटी है वो रेफरेंस टेम्परेचर की रेस्टिविटी से ज्यादा होगी इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे मटेरियल लो जिसके अल्फा पॉजिटिव है तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ेगी और अगर आप ऐसा मटेरियल लो जिसका अल्फा नेगेटिव है तो क्या होगा यहां पे अल्फा नेगेटिव है तो ये वन माइनस समथिंग हो जाएगा यानी कि रो जीरो को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये रो जीरो माइनस समथिंग हो जाएगा यानी कि रो टी वो रो जीरो से भी कम आएगा इसका मतलब कि अगर आप ऐसा मटेरियल लेते हो जिसके लिए अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से दरअसल रोटी कम हो जाएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिटिविटी कम होगी अरे बात समझ में और दूसरी बात अगर आप इंसुलेटर लो तो देखिए इंसुलेटर के लिए रेजिटिविटी नहीं है तो ये जीरो है तो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो डाल दो तो इज़ इजकल टू रो जीरो हो जाएगा है ना ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी तो रोटी यानी कि रोज जीरो यानी कि टी टेम्परेचर पे और रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी इसका मतलब कि इंसुलेटर को रेजिस्टिविटी की कोई इफेक्ट नहीं होगी आई बात समझ में फिर से एक बार अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका मतलब टी इज ग्रेटर देन टी जीरो तो ये टर्म पॉजिटिव फिर आपने ऐसा मटेरियल लिया जिसका अल्फा भी पॉजिटिव तो ऑब्वियस ही बात है रोटी रो जीरो से ज्यादा आएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जिसका अल्फा पॉजिटिव है उसकी रेस्टिविटी बढ़ेगी और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो यानी कि ये टर्म पॉजिटिव है लेकिन आप ऐसा मटेरियल लेते हो जिसका अल्फा नेगेटिव है यानी कि ये टर्म नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो ऐसे में रो टी रो जीरो से कम आएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद ऐसे मटेरियल में जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती जाएगी ऐसा मटेरियल यानी कौन सा सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर में ही अल्फा नेगेटिव है राइट right? अच्छा कंडक्टर में आ, ये दो जो मटेरियल है ये दो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों एलोयज हैं अब देखिए ये नाइक्रोम ये एलो है निकल फेरस और क्रोमियम का इसी तरह से ये जो मैंगनीन दिया है वो भी एक एलॉय है उसमें आता है मैंगनीज कॉपर और निकल इन तीनों का ये एलॉय है मैंगनीन अब इन दोनों में देखने लायक बात ये है कि आप इसका अल्फा देखिए ये बहुत ही छोटा है जीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फोर और मैंगनीन का देखिए आप ये तो बहुत ही छोटा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन एस टू माइनस थ्री यानी कि जीरो पॉइंट जीरो 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 टू राइट अल्फा ऑलमोस्ट नियरली जीरो है ये समझिए आप तो ऐसे में क्या होगा अगर अल्फा नियरली जीरो है तो ऐसे में समझिए ये टर्म समझिए आप इस इक्वेशन में अगर अल्फा नियरली जीरो है तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो ही मान लीजिए आप तो क्या बचेगा रोटी इज कल टू रो जीरो इसका मतलब कि आप टेम्परेचर में चाहे कुछ भी कर लीजिए कोई भी चेंज कर लीजिए इसकी रजिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है या फिर बदलेगी तो बहुत ही इग्नोरेबल डिफरेंस पैदा होगा इसमें तो यही स्पेशलिटी है इन दोनों नाइक्रोम और मैंगनीन की ऐसा ही एक और भी आता है एलोई जो, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किया लेकिन आगे इसका नाम आ चुका है और वो है कॉन्स्टेंटन राइट right? ये नाइक्रोम मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन ये तीनों एलॉय ऐसे जिसका अल्फा बहुत ही छोटा है इस वजह से इसमें टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ रजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस ऑलमोस्ट नहीं होता है और इसीलिए इन एलॉयज का यूज किया जाता है वायर वाउंड रजिस्टर बनाने में वायर वाउंड रजिस्टर में जो वायर होता है वो या तो नाइक्रोम का या मैंगनीन का या कांस्टेंट टन का यूज किया जाता है ताकि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन ना मिले तो ये बात खास तौर पे आप याद रखिएगा कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है यानी कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से रजिस्टिविटी कम होगी और जिसका अल्फा नेगेटिव है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी कम होती है यानी कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी कम होगी टेम्परेचर कम किया तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है चलिए इसको जरा नोट डाउन करके रख लेते हैं पहले मैं यहां पे एक पार्टीशन कर लेता हूं चलिए अब देखिए देखिए इफ अल्फा इज पॉजिटिव दैट मीन्स विच वी फाइंड इन कंडक्टर्स रजिस्टिविटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और दूसरी बात ये दैट इफ अल्फा इज नेगेटिव विच वी फाइंड इन सेमी कंडक्टर्स रजिस्टिविटी विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है चले अब कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है वो देखते हैं देखिए ये जो ग्राफ है ये कंडक्टर्स के लिए अब देखिए कंडक्टर के लिए एक बात आप पहले से जानते हो और ये है कि अल्फा कंडक्टर का अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर्स में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी यानि कि रोटी वो इंक्रीज़ होगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी मैं यहाँ पे केयरफुली लिख रहा हूँ ये प्रोपोर्शनालिटी सिंबल है और ये अल्फा है अल्फा यानी कि कोफिशंट ऑफ रजिस्टिविटी ठीक है तो कंडक्टर्स के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर उसका राइज होगा वैसे वैसे उसकी रजिस्टिविटी टी बढ़ती जाएगी ठीक है अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्राफ दिया है ये है कॉपर के लिए ये पर्टिकुलरली कॉपर का ग्राफ है अब इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे दिया है रेजिस्टिविटी और वो टेंडरस टू माइनस एट ओह मीटर में दिया है और यहाँ पे दिया है टेम्परेचर जो कि कैल्विन में है अब ये जीरो कैलविन यानी कि माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस हो गया अब इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे इसकी रजिस्टिविटी बढ़ रही है वो तो दिख ही रहा है लेकिन इसमें एक और चीज़ है देखिए इतना जो पोर्शन है इतना पोर्शन यहां पे आप देख रहे हो कि ये ग्राफ लीनियर है और यहां पे ग्राफ नॉन लीनियर दिख रहा है मैं इसको जरा मेंशन कर देता हूं देखिए इतना पोर्शन इसमें हम कह सकते हैं कि ग्राफ लीनियर है लेकिन इसके बाद का जो पोर्शन है इसमें आप देख रहे हो कि ग्राफ नॉन लीनियर है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हायर टेम्परेचर पे हो तो ऐसे में रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कंडक्टर के लिए लीनियर आएगा ये हाई टेम्परेचर है ना तो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर का रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो है वो लीनियर आएगा लेकिन लोअर टेम्परेचर पर लोअर यानी कि ज़ीरो से बहुत कम आप समझ रहे हो ना ये ये यहाँ पे देखिए ये हंड्रेड कैलविन है सेल्सियस नहीं है हंड्रेड कैलविन के आसपास है तो ये हंड्रेड कैलविन के आसपास यानी कि ये माइनस वन सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस हुआ तो ऐसे में इतने लो टेम्परेचर पे कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर नहीं रहता है जबकि हाई टेम्परेचर पे लीनियर है ठीक है हमने बहुत पहले ही बात की थी कि जो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हमने लिया रो टी इज कल टू रो जीरो इन ब्रैकेट वन प्लस आल्फा टी माइनस टी जीरो ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर रेंज के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर के लिए आप यूज़ कर सकते हो लेकिन जीरो डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर के टेम्परेचर के लिए तो ये जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सही है और यही बातें हमें इस ग्राफ में भी दिख रही है कि हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ेगी बढ़ेगी तो सही लेकिन लीनियरली बढ़ेगी चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा ग्राफ देखिए ये जो ग्राफ है ये है एलॉयज के लिए हमने कुछ एलॉयज के बारे में बात की थी जैसे कि एक था नाइक्रोम मैं आपके पे लिख लेता हूं फिर एक था मैंगनीन मैंगनीन है याद रखना ये मैंगनीज नहीं और कॉन्स्टंटन कॉन्स्टंटन है कॉन्स्टनट ऐसा नहीं है अब इन सभी एलॉयज में हमने आगे बात की थी कि इन सभी एलॉयज की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी में कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए इनके लिए रजिस्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए अब आप यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे लिए रजिस्टिविटी जो कि है माइक्रो ओहम सेंटीमीटर में और यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर है जो कि है कैलविन में लेकिन एक बात आप देखिए टेम्परेचर यहाँ पे जीरो से लेके एट हंड्रेड कैलविन तक लिया है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है समझो आप ये जो पहला ग्राफ था इसमें तो हमने जीरो से सिर्फ वन फिफ्टी लिया था जबकि यहां पे ये यह जीरो से एट हंड्रेड कैलविन तक का टेम्परेचर है और आप ये ग्राफ देखिए इसमें दिख रहा है कि ये वन पॉइंट वन माइक्रो माइक्रो ओहम सेंटीमीटर से लेके वन माइक्रो ओहम सेंटीमीटर तक चेंज हुआ है कितने टेम्परेचर पे हंड्रेड केल्विन टेम्परेचर पे ये बात समझ रहे हो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया जीरो से लेके हंड्रेड कैल्विन तक लेकिन फिर भी रेजिस्टिविटी में चेंज कितना हुआ सिर्फ पॉइंट वन यहां से लेके यहां तक यानी कि पॉइंट वन माइक्रो ओहम सेंटीमीटर जितना ही चेंज हुआ तो ये चेंज कोई चेंज नहीं है समझिए इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी मटेरियल के लिए टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ये याद रखना गलती से ऐसा मत लिख देना कि ये बढ़ रहा है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ठीक है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ये बढ़ नहीं रहा है ऐसा मत लिखना बढ़ रहा है ये दिस इज शोइंग दैट रजिस्टिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट अब इसके बाद ये जो तीसरा ग्राफ है ये है सेमीकंडक्टर के लिए अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में हम जानते हैं कि इसका अल्फा जो है वो नेगेटिव है सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है इसलिए क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी दरअसल कम होगी राइट right? तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि रो टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर राइट तो ऐसे में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और यही बात आपको यहां पे दिख रही है अब देखिए ये है रो और यह है टेम्परेचर टी और आप देख रहे हो कि ग्राफ ऐसे डिक्लाइन हो रहा है राइट right? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे रजिस्टिविटी इसकी डिक्रीज होगी तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी डिक्लाइन होती है आप देख पा रहे हो कि रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है कंडक्टर में और सेमी में ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी बढ़ रही है और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी कम हो रही है इसको हम रजिस्टिविटी uh, के इस इक्वेशन से समझ सकते हैं याद ही इक्वेशन हमने आगे लिया हुआ ये रजिस्टिविटी रो इज वन अपॉन कंडक्टिविटी सिग्मा राइट और uh, इसमें से हमें इक्वेशन मिलता है एम अपॉन एनी स्क्वायर टो इस इक्वेशन में आप जानते हो कि एम यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ई e यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम या फिर ऐसा कहें कि या फिर ऐसे कहें कि एवरेज कॉलिजन टाइम यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आयन के साथ आयंस के साथ कंटिन्यूस कॉलिजन करता रहता है तो उसमें कोई भी दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम टो तो कहते हैं अब इसके बारे में एक बात समझिए देखिए कंडक्टर में ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाती है इसलिए कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ऐसे में ये जो रिलैक्सेशन टाइम है तो वो कम हो जाता है आर यू गेटिंग इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी यहां पे कैपिटल टी ये टेम्परेचर है ठीक है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ जाती है इस वजह से कॉलिजन जल्दी होने लगता है कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो फिर कॉलिजन के बीच में जो टाइम रहता है वो टाइम कम हो जाता है यानी कि ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है अब समझिए अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो पहली और आखिरी चीज को जोड़िए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टो तो कम होता है अगर टो तो कम होता है तो रो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है यही हो रहा है यहाँ पे कंडक्टर्स में समझ रहे आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी रजिस्टिविटी बढ़ती है लेकिन सेमी में एक बात एडिशनल है देखिए इसमें वैसे इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर फोर्टीन में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप थोड़ी सी बात को समझ लो सेमीकंडक्टर में नॉर्मली जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं इस होल्स के बारे में आप बाद में समझोगे तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये चार्ज कैरियर एज पर नंबर बहुत कम होते हैं ठीक है बहुत ही कम होते हैं अब इसमें क्योंकि नंबर्स कम हैं इसलिए कॉलिजन भी इसका बहुत ही कम होता है अब जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हो तो वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर बढ़ जाते हैं मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज करते हैं वैसे वैसे इसमें चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़ जाते हैं अब चार्ज कैरियर के नंबर बढ़ गए यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि एन बढ़ गया समझो आप क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ने से नंबर चार्ज डेंसिटी एन बढ़ गई तो ऑब्वियसली रजिस्टिविटी रो कम हो जाती है आप कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ने से इसमें तो नहीं बदलेगा नहीं सेमी में ऐसा है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं इसलिए इनका कॉलिजन टाइम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से या टेम्परेचर राइज होने से जो मोशन बढ़ जाती है इनकी उससे इनके कॉलेजन टाइम में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जबकि उसके कंपैरिजन में ये जो नंबर चार डेंसिटी एन है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इससे रेजिस्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है इसलिए सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो वैसे वैसे रजिस्टिविटी कम होती जाती है आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि यही बात जो सेमी में लागू हो रही है वो कंडक्टर में लागू नहीं हो सकती कि जब जस इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उस वजह से इसमें नंबर चार डेंसिटी बढ़ जाए और उस वजह से इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाए ऐसा नहीं होता है नहीं देखिए कंडक्टर में और एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता ही है नॉर्मल टेम्परेचर में भी होता ही है ठीक है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं इसलिए नंबर चार डेंसिटी उसमें बदलती नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ जाती है तो उस वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और इसलिए रेजिटिविटी इसकी बढ़ जाती है अरे बात समझ में तो इन शॉर्ट के कंडक्टर में जो ज्यादा इफेक्टिव है वो है टो तो। और इसमें एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो ज्यादा इफेक्टिव है वो है एन इसमें टो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ दरअसल एन बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी इसकी कम हो जाती है अब बात करें हम इस एलॉयज की तो देखिए एलॉयज में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आप जानते हो कि है इसलिए इसमें अलग अलग एलिमेंट्स लिए जाते हैं अब एलिमेंट्स में ऐसे किया जाता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे रखे जाते हैं जिसका अल्फा पॉजिटिव हो और कुछ ऐसे रखे जाते हैं जिसका अल्फा नेगेटिव हो समझ रहे हो तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जिस एलिमेंट का अल्फा पॉजिटिव है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है लेकिन जिसका अल्फा नेगेटिव उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है इस वजह से इन दोनों की इफेक्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाती है और रेजिस्टिविटी एज ए होल पूरे एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ठीक है अब बात करें हम इंसुलेटर की वैसे जिसके बारे में यहां पे कुछ दिया नहीं गया है लेकिन इंसुलेटर में वैसे भी नंबर चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होती है फ्री चार्ज कैरियर तो वैसे होते ही नहीं है ना उसमें इग्नोरेबल होते हैं अब जब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्री चार्ज कैरियर थोड़े बहुत बढ़ते हैं यानी कि नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी स्मॉल एन थोड़ा सा बढ़ता है और उसी के सामने जो टो तो है यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है तो एक तरफ एन थोड़ा सा बढ़ गया और एक तरफ टो तो थोड़ा सा कम हो गया इसलिए इन दोनों की इफेक्ट एक दूसरे को नॉलीफाई कर देती है या फिर कहें कि इन दोनों की इफेक्ट एक दूसरे को कंपनसेट कर लेती है इस वजह से रजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंज आता ही नहीं है तो इंसुलेटर में इस वजह से कोई टेम्परेचर के साथ आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है तो ये थी पूरी बात रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है उसकी हमने इसको दो इक्वेशन से दरअसल समझा एक इक्वेशन एक हमारा जो पहला इक्वेशन था रोटी इजकल टू रो जीरो जो इक्वेशन है ये हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे लेकिन याद रखना कि ये इंपेरिकल इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया गया इक्वेशन है उसके पीछे कोई थियरी नहीं है समझो आप और इस वजह से ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही यूज किया जाता है आपको जब न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो उसी रेंज में आपको दिया जाएगा और दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है। ये है जो इक्वेशन है ये भी रेजिस्टिविटी का इक्वेशन है इसमें भी क्योंकि ये टो तो पे डिपेंडेंट है और टो तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है इस वजह से रेजिस्टिविटी यहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती हुई हमें मिल जाती है तो ये दरअसल थियटिकल इक्वेशन है ये एक थियरी के ऊपर बेस्ड है समझे हो तो इस इक्वेशन से भी हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं लेकिन इससे जब रेजिस्टिविटी फाइंड करनी होगी तो आपको ऑब्वियसली नंबर चार डेंसिटी दी जाएगी इलेक्ट्रॉन का मास और ये रिलैक्सेशन टाइम ई इन सब के बारे में बताया जाएगा तब जाके आप इसकी रजिस्टिविटी फाइंड कर पाओगे राइट तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई न्यूमरिकल दिया है जिसमें कहा है कि भाई टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी इस तरह से बदल रही है तो इतने टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी कितनी होगी तो उसके लिए तो हमें वो जो हमारा पुराना इक्वेशन है वही यूज़ करना है रो टी इजकल टू रो ज़ीरो वन प्लस आल्फा टी माइनस टी ज़ीरो ठीक है याद रखना कि उसमें रो ज़ीरो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के लिए ही रजिस्टिविटी है ऐसा नहीं है वो रेफरेंस टेम्परेचर के लिए रजिस्टिविटी है रेफरेंस टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है रेफरेंस टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है ठीक है लेकिन उसका नाम है रो जीरो और उसी तरह से टी जीरो जो नाम रखा है वो है रेफरेंस टेम्परेचर अब रेफरेंस टेम्परेचर भी जीरो हो सकता है या टेन डिग्री भी हो सकता है या फिर फिफ्टीन डिग्री भी हो सकता है अरे बात समझ में बट ये कि रेफरेंस टेम्परेचर हमेशा गिवन टेम्परेचर से कम होगा ठीक है चलिए आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा रजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमरिकल्स भी पूछे जाते हैं मैंने इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स की पी की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही बता दूँ कि अब हम जो एग्ज़ाम्पल्स हमने छोड़े हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री और थ्री पॉइंट फोर को पहले सॉल्व करेंगे और इसके बाद थ्योरी में आगे बढ़ेंगे